नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आपकी ट्रेड एंड इंडस्ट्री विंग के दिल्ली प्रदेश कन्वीर ब्रजेश गोयल ने कहा कि पुरानी दिल्ली के व्यापारियों को बीजेपी एमसीडी धमका रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 2 लाख दुकानदारों से जुड़ा हुआ है ये मुद्दा। पुरानी दिल्ली के वर्ल्ड सिटी क्षेत्र से संबंधित है। काफी समय से पुरानी दिल्ली विशेषकर चांदनी चौक के आसपास की जो मार्केट है वहां के दुकानदारों से कन्वर्जन शुल्क लिया जा रहा है। व्यापारियों को धमकाया जा रहा है कि यदि आपने कन्वर्जन शुल्क नहीं दिया तो आपकी दुकानों को सील कर दिया जाएगा। विकास गोयल ने कहा कि पिछले 15 सालों में एमसीडी करीब 5,000 करोड़ का कन्वर्जन शुल्क ले चुकी है। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता व्यापारियों से कन्वर्जन शुल्क मांगने की बजाय पहले 5,000 करोड़ रुपए का हिसाब दे। विकास गोयल ने आगे कहा कि पिछले 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी का शासन है। इन 15 सालों में एमसीडी में सिवाय भ्रष्टाचार के बीजेपी ने कुछ किया नहीं है। इसका नतीजा आप देख ही रहे होंगे कि आए दिन इनके कर्मचारी तनख्वाह के लिए हड़ताल करते हैं। स्कूलों में किताबें नहीं है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि बीजेपी का भ्रष्टाचार, जिससे दिल्ली की जनता त्रस्त है। पिछले 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और 15 साल में एमसीडी में सिवाय करप्शन के भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं, और इसका नतीजा आप देख ही रहे होंगे कि कैसे वो कर्मचारी तनख्वाह के लिए हड़ताल करते हैं। स्कूलों में कॉपी किताब नहीं है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, कोई डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है, भारतीय जनता पार्टी का करप्शन। और दिल्ली की जनता इनसे दुखी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को भी ये अच्छे से पता चल चुका कि जो आने वाला चुनाव है 1.5-2 महीने बाद, उसमें एमसीडी से जाने। सादरा जिले के शादरा थाने का डीसीपी आर साथिया सुंदरम ने रिबन काट कर उद्घाटन किया। वहीं दिल्ली में दूसरे नंबर पर रहे कृष्णानगर थाने को अवार्ड से सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्वी जिला डीसीपी आर साथिया सुंदरम ने बताया कि शादरा थाने के अंदर काफी सुविधाएं मिलेंगी और इसमें साइबर सेल के लिए भी जगह बनाई गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों की वर्दी पर बुधवार से नया प्रतीक चिन्ह नजर आएगा। ये प्रतीक चिन्ह एक बैज की शक्ल में होगा। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस बुधवार को अपना 75वां स्थापना दिवस भी मना रही है। दिल्ली पुलिस का राइसिंग डे है, आज के दिन हमारा माननीय गृहमंत्री साहब ने आज वर्चुअली रोहिणी से हमारा जो शादरा थाने का जो नया बिल्डिंग बनाया है 3 करोड़ का बिल्डिंग, उसका उद्घाटन किया। हमारा पुलिस दिल्ली ऑफिस सबका आशीर्वाद करूँगा कि ये नया बिल्डिंग है। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट में महिला सुरक्षा को लेकर 11 पिंक बूथों की शुरुआत की गई है। इस मौके पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने पिंक बूथों का उद्घाटन किया। महिला पुलिस कर्मियों का हौसला अफजाई करते हुए दीपेंद्र पाठक ने कहा कि महिला सुरक्षा दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता है, जिसे लेकर नॉर्थ वेस्ट जिले में तेजस्वी के तहत मुहिम चलाई गई थी, जिससे महिलाओं को समाज में भयमुक्त होकर जीवन जीने की दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है। कार्यक्रम में महिला अपराध और छेड़छाड़ पर आधारित एक नाटक भी प्रस्तुत किया गया। देखिए, विमेन सेफ्टी एम्पावरमेंट दिल्ली पुलिस की हमेशा से टॉप प्रायोरिटी में से एक रहा है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए इस ज़िले में एक तेजस्विनी स्कीम को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई को, जिसमें ऑल विमेन बीट स्टैब्लिश करी गई थी कुछ ऐसे एरियाज़ में जो क्राइम अगेंस्ट विमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वनरेबल है या फिर यहाँ पर ज़्यादा विमेन फुटफॉल रहता है। बहुत ही कम समय में इस स्कीम ने अपने सार्थक प्रयासों के द्वारा बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए और हमने देखा कि क्राइम अगेंस्ट विमेन में गिरावट आ रही है, स्ट्रीट क्राइम में भी गिरावट आ रही है। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का सशक्तिकरण दिल्ली पुलिस की टॉप प्रायोरिटीज़ में है। यह हमारी स्टेटेड एंड पॉलिसी है एंड एक्शन में भी, और जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक तेजस्विनी इनिशिएटिव है ओवर आर्चिंग, उसके अंदर जो विमेन फैसिलिटेशन बूथ है वो एक नमूना है और एक वन स्टॉप सेंटर के रूप में काम करेगा। और बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि जो 50% पॉपुलेशन है महिलाओं का और उनका कंट्रीब्यूशन जो हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है और उनमें महिलाओं का एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन होना है, उसके लिए उनको एक सेफ एंड सिक्योर वातावरण प्रोवाइड करना है, ये पुलिस की फोकस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
वहीं पूर्वी जिला दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन के तहत एक शातिर स्नैचर को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से मोबाइल भी जब्त किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी त्रिलोकपुरी में एक बस में सवार युवती से मोबाइल छीनकर भागने लगा। इस दौरान युवती की तरफ से शोर मचाने पर मौके पर पुलिस की 13 पिकेट टीम ने युवक का पीछा कर पकड़ लिया। आरोपी युवक की पहचान कुणाल उर्फ सोनू निवासी कल्याणपुरी के रूप में की गई है। फिलहाल आरोपी पर पहले से स्नैचिंग के 9 मामले दर्ज हैं। रुकरते अगली खबर का, साउथ ईस्ट जिला के साइबर थाने की टीम ने दो शातिर ठगो हाइड्रोम प्रोमजीत और युमनाम हाइड्रोम को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ईशा पांडे ने बताया कि दोनों ठगों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि साइबर थाने में वैवाहिक धोखाधड़ी के संबंध में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उससे 60,000 रुपए की ठगी की वारदात की गई। आरोपियों ने कस्टम क्लियरेंस करने के बहाने शिकायतकर्ता से ठगी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की स्पेशल टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के थाना बुराड़ी पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके में झपटमार को गिरफ्तार किया है। दरअसल इलाके में झपटमार वारदात को अंजाम देकर भागने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस झपटमार के पास से वारदात में इस्तेमाल स्कूटी को छीना हुआ मोबाइल भी बरामद कर लिया है। मुकुंदपुर रेड लाइट पे मैसेज दे दिया कि एक स्कूटी है जिसका एक मड पीछे लगी हुई है और यही पहचान बताई थी कि 2 नंबर थोड़ा दिख रहे हैं। दोनों तरफ से जब गाड़ियों को ये इन्होंने इंटरसेप्ट कर दिया उस स्कूटी को, स्कूटी वाले ने साइड में लगा के, वो 2 लड़के थे, उन्होंने मड जो नीचे नाला है नाले की तरफ भाग गए। हमारे जो कांस्टेबल संदीप कांस्टेबल अनूप हैं ये लोग वहां उनके पीछे भागे, SHO भी खुद भागे और इन्होंने उसको बड़े एकदम एक कैलो की त्वरित कार्रवाई हुई है, एक धैर्य का एकदम एग्जाम्पल देते हुए उनको पकड़ा। ये जो लड़का पकड़ा है इसका नाम है अलाउद्दीन एलियास कालिया, जहांगीरपुरी का रहने वाला है, वहां का निवासी है, 19 साल उम्र है। मौके पे स्नैच फोन भी मिला और साथ में जो एक स्कूटी है जो क्राइम में यहाँ यूज हुई है वो भी हमने मिली है। कार्रवाई जारी है, इनके जो और इनके मेंबर हैं जो गैंग के उनको भी अप्रीहेंड कर ली। दिल्ली नगर निगम के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, न्यूज वन इंडिया की टीम भी लगातार अलग अलग वार्डो का जायजा ले रही है। आदर्श नगर विधानसभा के वार्ड 16 सराय पीपल थला के क्षेत्र में न्यूज वन इंडिया संवाददाता ललित लोधवाल ने लोगों की समस्याएं जानी। स्थानीय लोगों ने बताया कि काफी समय से सफाई व्यवस्था चरमरा रही है, लेकिन कांग्रेस के निगम पार्षद मुकेश गोयल जो अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं, उन्होंने कभी भी इस क्षेत्र की सुध नहीं ली है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गंदगी के साथ साथ यहाँ सुरक्षा की भी समस्या है। यहाँ एक पार्क है जिसमें रात के समय नशेड़ी और असामाजिक तत्व बैठकर नशा करते हैं और रात को छीना झपटी भी होती है। घर आया तो शक्ल भी नहीं दिखाई, इसकी शक्ल कैसी है, बस ये देखा कि भाई वो बना है जिस दिन से यहाँ, एक बार भी आकर यहाँ नहीं देखा कि मरा है, कोई जीव है, गली साफ है, स्त्री है। एक दिन आए भी थे यहाँ किसी के घर में, मैंने उससे बात भी करी थी, कह रहा हो जाएगा होगा, हम क्या करें, ऐसे जवाब दिया हमने। वादा यही चाहते हैं गलियों की सफाई हो जाए, नालियाँ सही बन जाएं, और क्या आने जाने वाले यहाँ देखते हैं वो कहते इतना गंद पड़ा होना, क्या करवाया इन्होंने, अब जो आएंगे भाई वो सही काम करवा दे तो बड़ा मेहरबानी है उनकी, सभी वोट उनको जाएंगे, अच्छा आदमी आवे, बस काम हो जाए। सर यहाँ सफाई व्यवस्था आप पहले यहाँ पे कंडीशन देख ही सकते हैं, यहाँ पानी आए दिन बहता ही रहता है मोस्टली, यहाँ पे मोस्टली यही है कि 1.5 साल में कोई आएगा चेक करने, वो भी तब आएगा जब उन्हें आप 10 कंप्लेन डालोगे और 10 बार ही आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आपको रेफरेंस लगानी पड़ेगी, तो ही आपका मोस्टली काम होगा। मोस्टली तो आप ये देख सकते हैं अगर यहाँ पे सोसाइटी वाली यही है कि अगर कंट्रीब्यूशन करेंगे अपने आपसी से मिलके ही कुछ हो पाएगा, वरना तो MCD से तो मोस्टली यहाँ पे किसी को ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं। भाई इस पार्क से इतनी गंदगी है, इस पार्क में कूड़े कूड़ा इस पार्क में भरा हुआ है, और आते जाते भी यहाँ पर डर लगता है, रात को शाम को 8 बज जाए तो हम वहाँ से, कोई यहाँ पे खड़े हो ना 4 लड़के तो हम वहाँ से आ नहीं सकते, इतना डर लगता है, कभी फ़ोन छिन जाते हैं यहाँ पे, कभी छीना झपटी हो जाती है, समझो निकल नहीं सकते, इतनी परेशानी है इस पार्क से। या तो इस पार्क में सफाई हो जाए, नहीं तो इस पार्क को तोड़ के या तो कोई अच्छी जगह बनाई जाए।
भाई साहब बहुत ज़्यादा परेशानी है और हमारी दुर्भाग्य है कि निगम पार्षद जी के ऑफिस से मात्र 15 कदम की दूरी पे ये कूड़े घर बना हुआ है। बिल्कुल गाय यहाँ कूड़ा करती हैं, जब बारिश आती है यहाँ इतना ज़्यादा कीचड़ हो जाता है पैदल निकलना दुश्वार हो जाता है। एमसीडी का ऑफिस, वर्क्स का ऑफिस, और वर्क्स के ऑफिस के अंदर ही मुकेश गोयल जी ने अपना ऑफिस बना रखा है, जो निगम पार्षद हैं वार्ड नंबर 16 से कांग्रेस से, जो कि अब आम आदमी पार्टी में चले गए। इन नेताओं का भगवान ही मालिक है, ये जनता की तरफ तो ध्यान देते नहीं हैं।